जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी का व्रत वर्ष 2023 में कब किया जा रहा है, तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, इस दिन चंद्र दर्शन का चंद्रोदय का क्या समय होगा और जानेंगे व्रत महत्व के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, साथ में चौथ माता माता दुर्गा का पूजन किया जाता है और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करके इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को खासकर स्त्रियां जो कि अपने संतान की रक्षा हेतु इस व्रत को धारण करती हैं, वैसे इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी धारण कर सकते हैं। भगवान गणेश जी भगवान शिव माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में भगवान गणेश जी का सबसे पहले पूजन किया जाता है और जो भी भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, इससे भगवान गणेश जी उनके सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस बार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार रात्रि 8:50 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी जो कि 3 सितंबर 2023 दिन रविवार को शाम 6:25 पे। तो जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं वो सभी शुद्ध रूप से 3 सितंबर 2023 दिन रविवार को सभी व्रत को धारण करेंगे और इस दिन जो चंद्रोदय का समय होगा, चंद्र दर्शन का समय होगा, वह समय रात्रि 8:50 जो कि 3 सितंबर को चंद्रोदय का समय है, तो इस समय में अगर बादल के चलते चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं तो चंद्रोदय का जो समय बतलाया गया है इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दे करके कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करें और अक्षत पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके फिर व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। सूर्योदय का जो समय है 2 सितंबर को, वह समय सुबह 5:39 और सूर्यास्त शाम 6:15। राहु काल का जो समय होगा वह समय शाम 4:41 से लेकर के शाम 6:15 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी को इनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें और फिर पीला वस्त्र भगवान गणेश जी को या पीतांबरी वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत चंदन पुष्प भगवान गणेश जी को अर्पित करें। दुर्वा दल भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है तो दुर्वा दल भगवान गणेश जी को अवश्य अर्पित करें। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है तो इन्हें सिंदूर चढ़ाएं, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य ऋतु फल आदि भगवान गणेश जी को अर्पित करें या मोदक आदि का विशेष करके भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर संकष्टी चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान गणेश जी की आरती करें और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।